तेरे माथे में बढ़ती न रहे। चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। पहली बात मनु लिखा अब घमंड नहीं करना चाहिए इंसान ने, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कया करे कि तीन चार चीज है जो समाज में पूरी उम्र सेट देंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली, अरे राम रही उम्र की चेली, सारी उम्र से देंगी। बताए हमारी माता बाण जाओ है बाबा तो संकट कटवा नुगो बाबा संकट काटिए। रहे बाबा आप जेल में अपने मच्छर मारे तारे कितना संकट काटते हैं। पहली बात में कवि ने न्यू लिखा घमंड नहीं करना चाहिए। जो आदमी न्यू सोचे तेरे दौरत पीछा है वो भी सदा नहीं रहना। क्या बताया पहली बात में क्या दर्शाया? मान लिया अरे मान लिया तेरे धन भी से, मान लिया तेरे धन भी से, या बड़ी बात नहीं से। धन वैश्या यो धन वैश्या के पियो जा जिक जात जमात नहीं से। कर्म करया अरे कर्म करया दंड पड़े भोगना या तेरे हाथ नहीं से। मात पिता मात पिता तेरी बहु लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से। मात पिता तेरी बहु लाडली कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में ले जाया जगा रे 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 रे। उस नगरी में ले जाया जगा जो सही कोस परे से। वैसा क्या भी हो जा जी को जात जमात नहीं से। अरे कर्म करा दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से। मात पिता तेरी बहु लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से। क्या बात है? वो एक बार एक भाई की घराली रोज न्यू कहने गोपिया जी ओ पति देव अच्छा डाकी सारे खुले नोट ले रहा बटेऊ की माला तोड़ रहा है। वो रोज न्यू कह अपने घराले तन्यू को ओ पिया जी ओ पति देव तेरे तो मैं घना प्यार करूं और तेरे बिना रोटियां का एक टूक भी नहीं तोड़ू। अब उसने सोची दिखा रांड की परीक्षा लेके देख तू। माँ वो सारे दिन घर तक बाहर चला गया घरवाली ने दाऊ गच्चू चूरमा बनाया दाऊ खीर बनाई और आन मैं जानबूझ के लेट हो गया। और लेट हो गया के काम कराया घर की जो चौखट होया करे ना उसमें टांग फंसा के और उल्टा नू लटक गया जो मर गया। अब घरवाली बाहर आई हाथ उथ लगा के देखा नु गए यो तो मर गया। नुक मर गया तो मर गया किसका क्या कर गया। चाल वह खीर ठंडी हो रही है खा पी का बाहर आई अगर रोड लाई नुक आए बर्बाद हो गई रांड हो गया। अबे पड़ोसी आ गए सुन के नुक के हो गया नुक मर गया नुक मर गया तो चालीस ने फूक काओगे। अबे एक बोलिया भाई इसकी टांग चौखट में इस डाल फंस रही है के तो यो चौखट पाड़ी जा।
अरे के इसकी टांग काटी जा। वो लुगाई बोली नु गोशाला चौखट कुण लगवाओ गा टांगा ने कटर दे। अरे लटक्या लटक्या सोचे नु गा रांड करेगी काम छोटा को ना। अब इतनी देर में शाना सा बुढ़ा था वो नु करे तेरा पति था तेरे आते अंका साजी था यो तो मर क्या। पर के बेरा इसकी आत्मा सुनती हो इस तक कान में प्यार के तो बोल तो बतला ले। अच्छा जाऊं सुजा का कान में नु गो पिया जी ओ पति देव आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो। आप तो चले गए कुछ हमारी तरफ भी लखो। वो कौन सा मर रहा था काड़ का टांगो कशी तनु खीर तो खा गए लपा लप थोड़ो चूरमो भी चखो। तनु गया कभी न मो नहीं करना चाहिए किसे का भी मात पिता तेरी बहु लाडली कोई भी साथ नहीं से तना उस नगरी में ले जाया जाएगा जो कई कोस पर ऐसे। अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। दूसरी बात मनु गया कि जब तू जवानी का अपने रुतबे का अपने जोश का घमंड करता वो भी सदा नहीं रहना। वो भी पंडित दादा लक्ष्मी चंद अपने हरियाणा के सूर्य कवि ओहनू लिख रहा किए कि नरकर आगा का ख्याल मत ना छोड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरी आओगा के खेल खिलाओगा और तऊ खाट में पड़ा पड़ा पता से भगाओगा। बुढ़ापा भी आना है। दूसरी बात में क्या लिखा के थे देखो जी मेरा जी न्यू करे कुलमुड़ाट करे मैं आपके बीच में आकर सुना दू एक बार ताली बजा के बता दू के दर्शाया बुढ़ापा खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचा टी होगी बेटे और बेटा की बहुत है तबीयत खाती होगी आख्या ते अरे आख्या ते तने कम सूझेगा तेरी रेरे माटी होगी कोई भी ना अरे कोई भी ना पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी कोई बिना पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी क्या करे तू थके सिर के रे 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 ओए क्या करे तू थके सिर के मेरा का पास से रे चार की नाकी का बंद जादनी काका घमंड करे से ताऊ सारे भाई मान सम्मान कर रहे सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तीसरी बात में कवि ने के दर्शाया के लिखा कैसे तीसरी बात मैंने कही है कि इंसान ने परमात्मा ने इंसान को एक जीव इतनी थोड़ी देर डांट लो दान राशि ने परमात्मा ने इंसान को एक कितनी बढ़िया सुंदर जीव दी है जो किसी ने भी अपनी वाणी तपना कर सके। लेकिन आज की डेट में कोई प्यार तो बात नहीं करता सब घमंड में डोले जाए मैं डांट लो प्रधान जी सब घमंड में नू डोले जाएंगे नू मैं दादा वो एक बड़े घड़ा पतला इतना पतला आंख लगा के मेरे की डाल मान लो आंख लगा के देखा आर पार दिखण ना हो जा। और उसकी माँ उसने डॉक्टर कने ले गई डॉक्टर साहब मारे छोरे ने देखियो इसका ना घी लागता ना दूध लागता ना बदाम लागते ना चमन परास लागता डॉक्टर साहब दुखी होगी इसका के लागेगा डॉक्टर बोले इसका घर ले जाओ इसका दाग लागेगा। वो छोरा धीरे धीरे बड़ा हो गया वो भी दादा बन गया अपने आप में शरीर में ब्योत नहीं दादा रेल में बैठा जा दो आदमियों की सेठ में केला चौड़ा होगा बैठा मुंह में सिगरेट ला रखी एक आया नुक भाई थोड़ा परे ना होले सीट पर मैं भी बैठ जाऊंगा दो आदमियों की सीट नुक तन बेरा है मैं कौन हूँ। वो डर गया सोचा बेचारा ना के जुगाड़ है के ब्यों है चलिया गया बेचारा डर के। थोड़ी देर में एक और आया आके वो मीनू बोला भाई साहब थोड़ा परे ना होले मैं भी बैठ जाऊँ बोले तेरा बेरा मुकुण हूँ। अब वो भी डर गया सोचा बेना के बंदूक बंदूक ले रहे और टीचर ने जिस कर दे मुर्जिया वो भी बेचारा डर के पीछे चला गया। अब इतनी देर में एक पीछे था एक पहलवान कुश्ती में तो हार का आया था
अब दुखी टेंशन में तो पीछा का हो रहा, सोचे नाश हो गया, रेल में चढ़ा आगे वो दिख गया पहलवान पड़ा उसने, बोले ओ पर हो कंछड़े। अब उसने तो उससे भी नहीं कोई नुकतन बेरा मखून हूँ। अब इतनी कहते तो पहलवान ने पकड़ का मुंडी उठा लिया, धनु खा कौन है तू? बोले भाई बीमार सुतला है, दर्दे मर जाएगा। प्यार तो कोई नहीं बोलता इंसान ने, प्यार तो बोलना चाहिए। तीसरी बात में कवि ने बहुत सुंदर बात लिखे के लिखा कैसे, जब आटा बोले लगा जुबा के ताड़ा, मन चाहे उत्पात करे तेरा बने गमने पाड़ा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला तू जिनका बना रुखाड़ा, एक पल भर में समय न पलट दे वो लीले तंबुआड़ा। पल भर में प्रसाद खील पताशे और रोली सी ले रही, उसका टीका काट दिया, मोंदी हो रही, पानी चढ़ा रखा। वो बाबा तू ही सुना को मेरी तो, मैं गया मगताई के करे, बोले बेटा हाथ जोड़ ले बाबा। मगताई बाबा को ना पत्थर से, बोले इस पर पटका बता के लिख रखिए, मगताई इस पर न्यू लिख रखिए कनीना 15 किलोमीटर नुक देख ले। है नहीं बाबा, उरे बैठा बैठा बता दी कनीना की दिन दूर हो बाबा। बोला जमाना था, लेकिन आज की डेट में पढ़ा लिखा जमाना हो गया। कवि ने न्यू कही है कि इंसान ने परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा का भजन केवल इंसान करता है, गधे कुत्ते बिल्ली कदे परमात्मा का भजन नहीं कर सकती। सोपा क्या है हमारा आखिरी बात में कवि ने निचोड़ कर दिया बात का केंद्र बनाया। किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के हस्ती होगी, एक दिन उजड़े गा और जागा नगरी न्यो बसती होगी। देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में भंवर बीच किसती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सबने सस्ती होगी। नखरे रूप जवानी सबने सस्ती होगी।